यूट्यूब चैनल ब्राइट करियर एकेडमी प्रौली में आपका स्वागत है। मैं सूरज राम राजपूत आपको संख्या पद्धति से संबंधित 7 भागों में अलग अलग पॉइंट दे चुका हूं। अब आइए उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग होता है? 10 अंकों का। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में आपके लिए लिखा था, दशमिक अंकन प्रणाली, उसके बाद बाइनरी सिस्टम, उसके बाद रोमन अंकन प्रणाली। तो संख्या पद्धति में कितने? 10 अंकों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सी से किस अंक का बोध होता है? सी से किस अंक का बोध होता है? तो सी से किस अंक का बोध होता है? 100 का। जैसा कि दिखाया भी था, उसमें क्या दिखाया था कि एलसीडी याद कर लो। तो एल का मतलब क्या है? 50, सी का मतलब क्या है? 100, डी का मतलब क्या है? 500। तो सी ऑप्शन सी का मतलब 100। क्वेश्चन नंबर 3, वन वी सी डी आई एक्स, वन वी पे लगाए बार का निशान से किस संख्या का बोध होता है? बार के लिए एक अलग से पॉइंट लिखाया था, यदि किसी भी अंक पर बार का निशान लगा दिया जाए तो वह संख्या कितने गुनी हो जाती है? 1000 गुनी हो जाती है। तो वहीं से पढ़ लीजिए, ये तो 1000 मतलब 4000 हो गए, और सी डी डी यानी 500 में से 100 कम कितने? 400 और 9, तो 4409 सी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 3 अंकों से रिलेटिव कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक 1 अंक है सभी में, उसके बाद 10 से स्टार्टिंग हो जाती है 2 अंकों की, और ऐसे कहां तक जाते हैं? 99 तक। और 100 से 3 अंकों की स्टार्टिंग हो जाती है, और वो कहां तक रहते हैं? 999 तक। तो हमें देखना है 100 से 999 तक कुल कितने अंक हैं। तो इसमें से ये घटा दिया, 999 माइनस के 100 प्लस 1/1, तो कितने आ जाएंगे कुल मिला के? इनमें से ये जब घटेगा तो 99 घट गए तो कितने बचे? 900। यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? टोटल होती है 900। ऐसे ही आप याद भी रख सकते हैं, 1 अंक की टोटल संख्या है 9, 2 अंकों की कितनी? 90, 3 अंकों की कितनी? 900, 4 अंकों की कितनी? 9000, 5 अंकों की कितनी? 90000, ऐसे ही आगे भी। क्वेश्चन नंबर 5, 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या करें? डिजिट जो भी दिए गए हैं उन्हें कैसे लिख दे? अवरोही क्रम में लिख दे बढ़ते हुए। तो सबसे पहले 7, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0, यानी बी ऑप्शन ठीक है। ठीक कौन सा है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अक्सर कर इस प्रकार के प्रश्न दे के घुमाया जाता है, और जल्दबाजी में आप गलत टिक लगा देते हैं। क्या लिखा है? कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो कौन सी नहीं है? 33। क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो ये हमने आपको नोट भी कराया था, अभाज्य संख्याएं लिखते समय क्या लिखा था? 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 होती हैं। 1 से 25 तक 9 होती हैं। कौन सी संख्या न तो भाज्य है और न अभाज्य? ऐसी संख्या कौन सी है? 1। 1 की गिनती न भाज्य में होती है न अभाज्य में होती है। क्वेश्चन नंबर 9, 12,000, 1,300, 2 दहाई बराबर है।
किसके बराबर है ये देखना है, तो इसके लिए क्या 12,000 बोला तो 12,000 लिख लिया, 1,300 बोला 1,300 लिख लिया, 2 ढाई यानी 20 इन्हें जोड़ा तो 0, 2, 3, 3, 1 यानी 13,320, 13,320। तो इस तरीके से ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए। आगे और देखते हैं सीरीज में, हम कुछ क्वेश्चनों को नोट कराते हैं, आप नोट करके और देखते जाइए, आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं भी सॉल्व करता हूं आपके साथ साथ। छियासी उन्यासी तैतालीस अगला क्वेश्चन है। छियासी उन्यासी तैतालीस में 7 के स्थानीय तथा जाति मान में क्या अंतर है, इतने में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है, स्थानीय मान तथा जाति मान में क्या अंतर है। तो स्थानीय मान कैसे, स्थान के हिसाब से निकाला जाता है, तो कितना आएगा 7 और उसके आगे कितने 3, तो 3 बिंदियां आ गई 7,000। जाति मान 7 का कितना रहेगा, 7 ही रहेगा, इनका अंतर पूछा है 6,993 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट नंबर, अड़सठ बानवे 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो 9 का स्थानीय मान देखे तो कितना हो गया यहां से 9,000, और 3 का स्थानीय मान देखे तो कितना हो गया 30। इनका अंतर पूछा है तो 0, 7, 9 और 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहले अभाज्य संख्या की परिभाषा बताइए, किसे कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको नोट कराई गई है, वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 अपवर्तक हों, अर्थात वह संख्या जो खुद से कटे या खुदा से कटे, तो ऐसी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी 2। क्वेश्चन नंबर 13, सौ और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप काउंटिंग कर सकते हैं किस तरीके से निकालेंगे, 100 से लेकर कहां तक 120 तक, तो जैसे 101 है तो 101 को बताएं क्या है, भाज्य है या अभाज्य है, चेक करना पड़ेगा आपको।
अगर हम डायरेक्ट नोट भी कर देते हैं तो बात नहीं बनेगी, 101 किससे कट सकते हैं, देखिए 101 पर नजर डाले तो दो से कटेंगे नहीं, तीन से भी नहीं कटेंगे, पांच से भी नहीं कटेंगे, सात से नहीं कटेंगे, सात के बाद 11 से, 11 ग्यारह से भी नहीं कटेंगे, तो एक अभाज्य हो गई। इसके बाद अभाज्य कौन सी हो गई, 102 तो कट जाएगी, 103, 103 के बाद चार अभाज्य भाज्य हो गई, पांचवी भाज्य हो गई, छवी भाज्य हो गई, फिर कितनी आएगी 107, 107 के बाद 109, 109 के बाद 10, 11 भाज्य है, 11 तो कट जाती है, 11 के बाद 13, 113, तो 113 को चेक कर लीजिए, अगर 113 को लिखेंगे तो ये कटेगी तो नहीं किसी से, तीन से काट के देगी, तीन से काटेंगे, तीन दुर्गा नौ, तीन से नहीं कटेगी, तीन के बाद पांच, सात, सात से, सात एकम सात, चार बचे नहीं कटेगी, सात के बाद 11 से, 11 से नहीं कटेगी, 11 के बाद काटने की जरूरत ही नहीं है, 113 कैसी है आवाज, 13 के बाद 15 पे पहुंचे, 15 कट जाएगी, 16 कट जाएगी, 17 कट जाएगी, 18 कट जाएगी, 19 कट जाएगी, बस इतनी आई, तो अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, पांच होती हैं। ऐसे ही हम आपको टेस्ट सीरीज के और भी सवाल कराते रहेंगे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट, थैंक यू।